केंद्र सरकार वालों कणक तो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म की जा रही है। अगर कणक तो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म होती है तो साढ़े देश के किसान की कणक का रेट 700 तो लैके 800 रुपया डिगेगा। किसानों कर्ज मुक्त किया जाए, MSP की गरंटी का कानून डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले अनुसार मिले, भारत WTO चो बाहर आए, ये सारिया गलों लैके असी फरवरी के आने का प्रोग्राम लिखा है। मत दे बकरेवे सिगे या आइडियोलॉजी दे कुछ बकरेवे सिगे, बावजूद उस दे उत्ते सारे आ जुड़े सिगे बैठे सिगे, ऐस की इतना ज्यादा जड़ा है हल्ला शेरी दे नाल लोग आन गए। किसान जड़े या आम पब्लिक है जड़ी, ये मुद्दा ना मसला होंदा है जी। ये जो मुद्दा ये टा सीरियस है कि किसान बर्बाद होएगा, किसान बर्बाद होएगा, तो उदो भी जी आम लोगों ने समर्थन दिता सीगा, उन्होंने इसे गल नूं लैके दिता सी भी जे किसान ही मर गया तो रोटी कित्थों खावांगे। जे असी दिल्ली हरा हिला सकते हाँ तो पंजाब गवर्नमेंट की चीज़ है कि पंजाब गवर्नमेंट ना हिले। जे दिल्ली नूं पंजाब दे लोकां ने हिलाया है तो बड़े बड़े जिहड़े एडे वड्डे दिग्गज लीडर सीगे उन्हां नूं ना उन्हां नूं कन्नी हत्थ लवा के लोगों ने, यह कोई वड्डी चीज़ नहीं है, इन्हां नूं भी छेती असी मतलब इन्हां दे कन्नी हत्थ लवा लाँगे। जे असी दिल्ली चले हाँ तो पंजाब दे मुद्दे छड्ड के नहीं चले, पंजाब दी लड़ाई कोई असी त्याग नहीं दित्ती। खेती आम लोगों वास्ते तो बहुत जरूरी आ क्योंकि लोगों का पेट भरना है, लेकिन फार्मर वास्ते यह मौत का साधन बनी हुई है। फार्मर फाहे ले रहे हैं, फार्मर सलफासा खा रहे हैं, वो जमीन बेच रहा है तो उन्हें बाहर भेज रहा है। ये साड़ियां सरकारां दे मूँह ते एक बहुत शर्मनाक तमाचा है जे मतलब जे साडा एक भी नौजवान बाहर जाता है तो। जी तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, बहुतियां गल्लां ना करदे हुए सीधे जगजीत सिंह डलेवाल जी को लाने हैं, जिन्होंने अज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि चाहे असी दिल्ली दे अबरूहां ते पहले जाए, हुण फिर साडी तैयारी है उत्थे जाण दी, ते जंग जारी है। किदां दी जंग लड़न जा रहे हो दोबारा, तो किवें दी तैयारी है जी? देखो केंद्र सरकार वालों कणक तो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म की जा रही है जी। अगर कणक तो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म होंगी है तो साढ़े देश के किसान की कणक का रेट 700 तो लैके 800 रुपया डिगेगा, यह लॉस किसान झलना पेगा। और जो किसान इन्ना लॉस होया, किसान सिर करजा चढ़ना सुभाविक है, और उस करजे की आड़ किसानों के कोलों जमीन कारपोरेट लोगों को जानी है, ये तो साड़ी लड़ाई है। और यदि किहोजी लड़ाई करने का साड़ी तैयारी है, होर जो पिछलियां मंगा उन्होंने लैके किसान कर्ज मुक्त किया जाए, MSP की गरंटी का कानून डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले अनुसार मिले, भारत WTO चो बाहर आए, यह सारिया गलों लैके असी फरवरी के आने का प्रोग्राम लिखा है। उसकी तैयारी के वजों असी पूरे भारत के 20 वड्डियां किसान महापंचायत करन जा रहे हैं, दो हो चुकी ने, एक साड़ी 14 दिसंबर नूं शहीद करतार सिंह सराभा जी के पिंड असी उत्थे करन जा रहे हैं। वाहिगुरु कृपा करे, वड्डी गिनती करांगे और बाहरले लीडरशिप आएगी, लोगों नूं अवेयर करांगे। उस तो भी वक्रा साडा SKM नॉन पोलीटिकल के नाल नाल 18 जथेबंदियां उत्तरी भारत दियां ने आगे प्लेटफार्म एक होर रलिया, जिहदे चों असीं इकट्ठे हो के दो वड्डियां पंचायतां इस इन्हां दोवां फोरमां ने रल के होर लिखियां, वह जिहड़ियां हैगियां ने साडी, एक तां 2 जनवरी नूं जंडियाला गुरु दे विच है माझे च, एक 6 जनवरी नूं अपना बरनाले दे विच, इह दोनों वड्डियां पंचायतां दोनों फोरम रल के करनगे और किसानां नूं जागृत करन दा काम करके फिर असीं अगला प्रोग्राम देवांगे। तुसीं प्रोग्राम अजे डेट नहीं दित्ती ना, पूरी फरवरी की गल की है, तो उस दे नाल तुहानूं लगदा है पिछली बार जिहड़ा तुसीं उत्थे बरूहां ते बैठे सी, जिस तरीके दे नाल चाहे वखरेवे सीगे, खास करके मत दे बखरेवे सीगे या आइडियोलॉजी दे कुछ बखरेवे सीगे, बावजूद उस दे उत्थे सारे आ जुड़े सीगे बैठे सीगे, ऐसकी इन्ना ज़्यादा जिहड़ा है उह हल्लाशेरी दे नाल लोग आन गए? वैसे तो हुण पिछे जे वी इत्थे बरूहां ते बैठे ने लोग, याद करवाया सी तां देखिया सी भर गया सी, पर फिर भी नहीं लोग साडे नाल नहीं, मतलब किसी ने किसान जिहड़े जां आम पब्लिक है जिहड़ी, इह मुद्दिआं दा मसला हुंदा है जी। इह जदों मुद्दा ही एडा सीरियस है कि किसान बर्बाद होएगा, किसान बर्बाद होएगा, तो उदों भी जिहड़े आम लोगों ने समर्थन दिता सीगा, उन्होंने इसे गल नूं लैके दिता सी भी जे किसान ही मर गया तो रोटी कित्थों खावांगे। तो ये हुण भी कोशिश यही है कि कारपोरेट लोगों के हाथ के सारी जमीन इतों चली जाए
और उस बाद जो अनाज उन्होंने हाथ चलिया जाए फिर वो अपनी मन मर्जी लोगों की भुख से लोगों के पेट से कंट्रोल करके आपकी मर्जी जिम्मे चला चाहन उमें चला चाहे ये लोग समझे और अभी वही लड़ाई लड़ने सफल होवे। केंद्र सरकार के थोड़े जड़िया मंगा बाकी रही बकाया उन्होंने तो गल है पर पंजाब सरकार के भी पिछले दिन ही मीटिंगा की गन्ने खास करके गए थे 500 रुपये मंगते थे हजे तो उन्होंने दिते नहीं इन्ने पैसे और फिर थोड़ी मीटिंग भी अभी क्या वड्डा एक प्रोग्राम अभी उलीक रहे हैं तो सरकार सुनवाई करनी पेगी थोड़ा लगता नहीं कि हजे फिर भी बार बार एडा वा प्रोग्राम दे रहे हो तो सरकार तो फिर भी टफ से मस उस तरीके हो रही हैं थोड़ी बहुत हिल रही है। देखो पंजाब गवर्नमेंट जे असी दिल्ली हिला सकते हैं तो पंजाब गवर्नमेंट की चीज़ है कि पंजाब गवर्नमेंट ना हिले जे दिल्ली नूं पंजाब दे लोकां ने हिलाया है तो बड़े बड़े जिहड़े एदू बड़े दिग्गज लीडर सीगे उन्होंने ना उन्होंने कन्नी हाथ लवा दे लोकां ने यह कोई वड्डी चीज़ नहीं है इन्हों भी छेती असी मतलब इन्हों के कन्नी हाथ लवा लाँगे। हाँ ये जरूर है कि पंजाब के मुद्दे कोई जे असी दिल्ली चले हाँ तो पंजाब के मुद्दे छड़ के नहीं चले पंजाब की लड़ाई कोई असी त्याग नहीं दी साढ़े किसानों मुआवजा दवाने की लड़ाई हजे है साडा पिछला मुआवजा दवाने की लड़ाई हजे है साडा प्रीपेड मीटर जो चिप वाले मीटर लाने की गल उन्होंने तो लड़ाई साड़ी हजे जोंदी है साढ़े जोड़े लोगों के उत्ते पराली के मुकदमे पर लड़ाई साड़ी खड़ी है ये अगर साढ़े किसानों परेशान करे ज भारतमाला प्रोजैक्ट के तहत गलत तरीके लोगों की जमीन हड़प्पण गए कोई दिल्ली जाके जो बह गए तो असं यदा मतलब यह नहीं गा कि सारा पंजाब दिल्ली जाके बह गया असं इन्हों भी उन्नी लड़ाई मतलब बराबर देवे। फरवरी चलिया प्रोग्राम तो जनवरी जो सियासी वाले ने बैठन लगे गैर सियासी तो 18 की गल करते हो चलो जेड़े वो बैठन लगे ने ठीक है वो आपकी समझ मुताबक चलन गए लेकिन असं आपकी समझ मुताबक चलेंगे। लाहेवंद हैगी है खेती जी है लाहेवंद नहीं हैगी है बार बार कहा जा रहा है जबकि लाहेवंद है जो खेती देखा जाए तो क्योंकि जो खेत नहीं है जो खाना नहीं है तो दुनिया से कुछ भी नहीं है। आप वे वे स्लोगन देखे नो फूड नो फार्मर नो फूड दे और बावजूद डेफिनेटली लागत जी वध जाती है और लागत के बाद जी वापसी नहीं होंगी या वो जी आउटपुट जी है प्रोडक्शन कॉस्ट जी वधी हुई होंगी है वह रिटर्न नहीं मिलता जो किसान उत्थे जो औखियां होंदिया ने थोड़ा लगता नहीं फिर भी कितना कि लड़ाई लड़न तो सिवाए तो किसानों यह बार बार कहना जरूरी है भी बने रहो पैर ना चको जरूरी है बने रहना। देखो तुसी बड़ी सारी गल अपने आप ही तुहाडी गल दे विच निकल के आई है कि फार्मर नू जिहड़ी इनपुट्स दे उहदे मुताबक आउटपुट नहीं मिल रहा उहदे करके फार्मर बर्बाद हो रहा है। ठीक है गल इह कि खेती आम लोगों वास्ते तो बहुत जरूरी आ क्योंकि लोगों का पेट भरना है लेकिन फार्मर वास्ते यह मौत का साधन बनी हुई है। फार्मर फाहे ले रहे ने फार्मर सलफासा खा रहे ने उन्हां हालातों के सारे देश नूं जिवें पहला लड़े सीगे ना कि जिन्हां नूं रोटी चाहिए है जिन्हां नूं अनाज चाहिए ढिड भरन लई उन्हां नूं आपदे फार्मर का साथ पहलां दी तरह देना पएगा तो देना चाहिए है। किसान का पुत किसान नहीं बनना चाहता बहुत औखी भारी तो दुख की तकलीफ की गल है जी। देखो घाटे वाले काम नूं कौन हाथ पाएगा जी पर जीवन तो यही है जीवन है ये ठीक है गल कि जीवन यही है उन्होंने जुम्मे पईआं होईआं ने गल्लां ते तां इस गल तों हर एक बाप चाहुंदा है कि मैं आपदे बच्चे नूं बाहर भेज दिया जमीन बेच दिया बाहर भेज दिया ताकि मैं आपदी अक्खां दे सामने आपदे बच्चे नूं फुला देखा या इनू मतलब माड़ा हाँ मैं इहदी खुदकशी या इनू मतलब स्प्रे पी के मरदे नूं मैं नहीं देखना चाहुंदा वो जमीन बेच रहा है तो उन्हें बाहर भेज रहा है ये साड़ियां सरकारां दे मुँह ते एक बहुत शर्मनाक तमाचा है जे मतलब जे साडा एक भी नौजवान बाहर जांदा है तां इस पर वखरेवे तां नहीं दिखणगे जिवें पिछली बार दिखे ने। देखो वखरेवे धरन दे हुंदे आ जथेबंदियां दे वखरेवे नहीं जाने विचार धार के एक जथेबंदी तों असीं पिछली बार गुंजलां ज्यादा सीगियां वखरेवे कुछ होर तरीके दे सीगे नहीं इह कुछ नहीं हुंदा हुंदा वखरेवे चाहे किन्ने वीरां ने एक जथेबंदी सी पहलां एक तों 32-35 बन गईआं 40-50 बन गईआं कोई फर्क नहीं जी जी जो अजय सचियों असी किसान हाँ तो किसान की लड़ाई लड़नी है देश में एक रख के लड़ना है तो फिर सानू सारे मतलब वो समझना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े जगजीत सिंह डलेवाल से किसान आगू बहुत ही तफसील के गलबात करके गए थोड़ा जल्दी से पर कोई गल नहीं गल उन्होंने बहुत सोनी तो सुचजी की उन्होंने कहा कि हजे किसान जड़ा अपनिया लड़ाइया जड़िया भुलिया नहीं है तो असं एक बार फिर तो चेतान जा रहे हैं दिल्ली दिया बरूहों पर और उन्होंने कहा बेशक वखरेवे किन्ने मर्जी हो किसान जथेबंदियां या किसान दड़िया बनिया हुई यूनियनज़ ने पर बावजूद उस
साढ़े जिहड़े टीचे ने सेम ने इशूज़ से लड़ाई होंगी है वखरेवें आइडियोलॉजी के हो सकते पर इशूज़ के नहीं है क्योंकि हर किसान की प्रॉब्लम तो हर जथेबंदी के बैठिया किसानों समस्यावान सेम ने उन्होंने यह भी गल कही कि केंद्र के नाल जो इशूज़ जुड़े हुए हैं वह हजे असी चाहे बकाया ने भुले नहीं हाँ पर उसके नाल पंजाब के जो इशूज़ ने उन्होंने भी असी नाल दी नाल लैके तुरंगे ऐसी गल नहीं है कि पंजाब दे विच पंजाब दे किसानां दी लड़ाई असी नहीं लड़ांगे वह भी हजे जिहड़े इशूज़ ने खास करके चाहे वह पराली नूं लैके है चाहे वह बीमियां नूं लैके है चाहे वह इंश्योरेंस की गल हैगी है चाहे मुआवजियां की गल हैगी है चाहे केसां नूं वापस लै कोई भी मसला हैगा उस मसले नूं असी पूरी तरह याद भी रख्या होया है और उस दे नाल बार बार पंजाब सरकार दे नाल गलबात भी की जाएगी उहदे पहले ही चाहे राज्यवाल जिहड़े ने वह जनवरी दे विच चंडीगढ़ आ रहे हैं और उन्होंने अपनी कॉल दी है सियासी जिहड़ा हैगा पखवाड़ा हैगा इन्हां दा यूनियन हैगी है पर ना करदे गैर सियासी जिहड़ा नॉन पोलीटिकल विंग हैगा डल्लेवाल वाला ते नाल ही जिहड़ा बाकी दे 18 जथेबंदियां ने उन्होंने फरवरी दे विच हजे तरीक चाहे नहीं दी पर उन्होंने कहा कि फरवरी दे विच असी कॉल दी है असी पहुंचांगे दिल्ली हुम हुमा के पहुंचांगे और इस बारी फिर तो सरकार नूं याद दवावांगे कि साडे नाल तुसीं हजे पूरी तरीके नाल न्याय या जिहड़ा है जस्टिस नहीं किया उस दे नाल ही उन्होंने एक गल होर भी कही कि चाहे यह सारा का सारा वो है ने मतां चाहे अलग होण पर असी फिर भी चाहते हाँ कि किसान एक रूफ के थले आन एक तरीके दे नाल होण आन ते एक बार फिर तो असी हमला मार के किसानों के मसले हल करा सकीए उस तो पहले उन्होंने तैयारियां जड़ियां ने उन्होंने कहा कि वड्डियां पंचायतां करांगे और पंजाब दे विच वख-वख जगह ते पंचायतां कर रहे हैं दो ऑलरेडी उन्होंने हो चुकिया ने और उस सब दे बाद हुण यह जागरूक करनगे और लोगों नूं दसणगे कि साडा फरवरी का प्रोग्राम ते टीचा की है कैमरा परसन सरबजीत दे नाल बिंदु सिंह चंडीगढ़ तुसीं देखदे रहो D5 चैनल पंजाबी निडर हां निरपक्ष हां आजाद हां सच कहां गल करांगे सियासी हवा दी होणगे हुकमराना नूं सीधे सवाल सब तो पहलां पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल कनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल उभरांगे पंजाब दी आवाज बन होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे खोलांगे अंदरूनी राज बणांगे बुलंद आवाज खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे हर पिंड हर शहर जावांगे मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार की करदी है साडी सरकार की है तुहाडी मुश्किल दा हल D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर D5 चैनल पंजाबी अपनी धरती अपने लोग ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ